वेलकम टू करियर गाइडेंस डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एग्रीकल्चर का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वन बाई वन करके सारे एग्जाम्स को मैं कवर करूंगा, उनके कट ऑफ, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस और उनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है और उनका जो कट ऑफ रहता है, काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है, उसमें हम लोग वन बाई वन करके सारा डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, एक नेशनल लेवल का होता है और एक आपका स्टेट लेवल का होता है। स्टेट लेवल में हर स्टेट जो है आपका, जितने भी स्टेट हैं वो आपका अलग अलग एग्ज़ाम करवाते हैं। जैसे कि यूपी में यूपी कैडेट के नाम से एग्ज़ाम होता है, इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो यूपी कैडेट का जो एग्जाम होता है उसमें लगभग 4 से 5 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें आपका सीएसए कानपुर है, नरेंद्र देव फैजाबाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ है और जीवी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी कुछ परसेंट सीट्स पहले रहती थी, अब मानिए काशीराम के नाम से एक यूनिवर्सिटी बांदा में खुली हुई है, उसकी भी जो सीट्स हैं वो यूपी कैडेट के रैंक से भरी जाती हैं, स्कोर से भरी जाती हैं। तो हम लोग आज यूपी कैडेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग आज आईसीआर की बात करेंगे। और एग्रीकल्चर के बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पीसीएम और पीसीवी से पढ़ने के बाद भी एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना चाहते हैं। कई सारे स्कूल्स में सेमिनार करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि एग्रीकल्चर के बारे में बच्चों को बहुत सारे सेमिनार्स किए थे, उससे पिछले साल भी हम लोग काफ़ी सारे सेमिनार्स किए। तो सेमिनार्स में जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा बच्चों को बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनके बारे में अभी तक पता नहीं है अच्छे से, और अगर पता है भी तो क्लियरली वो उसमें एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, मतलब उनको प्रोसेस नहीं पता उसका पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की हम लोग बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को बोलते हैं, इसका एक इंस्टीट्यूट है, आईई की बात कर रहे हैं, एग्जाम होता है इसको हम आईईडब्ल्यूए के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस फॉर एडमिशन। यहाँ पे एग्रीकल्चर लिख दिया लेकिन उसको एडमिशन बोलते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होता है, ये इसका जो फॉर्म है हम उसकी बात करेंगे, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, इसका एप्लीकेशन फीस क्या उसकी बात करेंगे, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो पार्टिसिपेट करते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो वन बाई वन करके हम लोग इसका छोटा सा एक टॉपिक लेकर के आए, इसके बाद जितने भी इसमें इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं उनके हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे, उनके एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेम ऑफ एग्जाम, इसको बोलते हैं इंडियन इसको जो एग्ज़ाम करवाती है संस्था उसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि आईसीआर। आईसीआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, लगभग 64 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो वेल नोन है, जिसको सब लोग जानते हैं, जो आईसीआर की रैंक से रैंक को एक्सेप्ट करते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से या फिशरी साइंस जैसे कोर्सेज में एडमिशन देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम, मैं बता चुका हूँ AIEEE के नाम से होता है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस फॉर एडमिशन के नाम से करवाया जाता है और ये कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, इसको एनटीए कंडक्ट करवाता है। और हम लोग बात करते हैं इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की, इसमें लगभग 64 के आसपास जो इंस्टीट्यूट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, 64 के आसपास जो इंस्टीट्यूट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और 64 में वन बाई वन करके बताऊंगा आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो 64 इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 64 स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं जिसमें वेटनरी, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरी साइंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आती हैं। इसमें आपका 4 जो है आईसीआर के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद जिसमें 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो उसमें नंबर 1 पे आता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं IARI दिल्ली, इसको बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली। ये आईसीआर का मेन कैंपस माना जाता है, ये आईसीआर का बेस्ट, मतलब बेस्ट कैंपस भी और मेन कैंपस भी, इसको बोलते हैं IARI। दूसरे नंबर पे आता है आपका IVRI बरेली, इसको बोलते हैं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बरेली। तीसरे नंबर पे आपका आता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, इसको NDRI बोलते हैं, ये डेयरी के लिए बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है और एशिया का इकलौता इंस्टीट्यूट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी साइंस, ये आपका CIFE बोलते हैं, इसको मुंबई में बना हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, ये मुंबई में बना हुआ इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो आईसीआर की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन देते हैं। कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन होता है मैं वो भी आपको भी डिफाइन करूंगा। तो नंबर 1 पे आपका आता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको CAU बोलते हैं, ये इम्फाल में बनी हुई है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको पूसा बोलते हैं, बहुत फेमस स्टूडेंट है, इसको पूसा इंस्टीट्यूट बोलते हैं, न्यू दिल्ली में बना हुआ है। तीसरे नंबर पे आपका आता है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपका झांसी में बना हुआ है। ये 3 एग्रीकल्चर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो आईसीआर की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आईसीआर की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे यूजी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, मैं फिर से बता दूँ आपको, यूजी कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, पीजी कोर्सेज की मैं फिर से एक वीडियो अलग से बना दूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें पहले नंबर पर आपका BHU बनारस आता है, दूसरे नंबर पर AMU अलीगढ़ है और तीसरे नंबर पर आपका आता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, चौथे नंबर पर नागालैंड यूनिवर्सिटी। ये 4 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज करवाती हैं, BSc हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरी साइंस जैसे कोर्सेज करवाती हैं या फिर बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस भी इसमें रहता है। अभी मैं सारे कोर्सेज की बात कर लूँगा। अब हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करें कि आईसीआर में जो टोटल इंस्टीट्यूट होते हैं आईसीआर के, जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट हैं, तो पूरे इंडिया में लगभग 202 के आसपास जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं,
जिसमें आपके लगभग 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मैंने अभी बात करी, उसके बाद मैं 14 नेशनल सेंट्रल इसमें जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और 64 के आसपास जो है ICAR के स्टूडेंट जो इसकी रैंक को एक्सेप्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर के, जैसे यूपी में मैंने अभी बताया 4 इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जिसमें यूपी कैडेट की रैंक से भी एडमिशन होता है और ICAR की रैंक से भी एडमिशन होता है। तो इसमें 6 नेशनल आपके ब्यूरोक्रेसी हैं, उसके बाद 13 डायरेक्टरेट्स हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स इसको बोलते हैं। तो ये जो आपके बने हुए हैं टोटल 102 इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम की। मोड ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन एग्जाम होता है और एग्जाम का लेवल नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर नेक्स्ट नेशनल लेवल का आपका एग्जाम होता है और ऑनलाइन एग्जाम होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 150 मिनट का लगभग ये पेपर होता है, मतलब कि 2.5 घंटे। लास्ट डेट इसमें जो होती है अप्रैल के फर्स्ट वीक का इसमें लास्ट डेट रहती है इसको अप्लाई करने की, और एग्जाम जो होता है मे बी जो है वो जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो जाता है। इसका फॉर्म एप्लीकेशन जो है जब आएगा मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका फॉर्म आ जाता है, कभी कभी फरवरी में भी इसका फॉर्म आ जाता है। और इसके बाद एलिजिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो 12th मांगते हैं इसमें OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और इंग्लिश इसमें कंपलसरी है, मस्ट मतलब जरूरी है, ये इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और SC ST के लिए 40% इसमें मांगते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ये एग्जाम होता है। एज लिमिट मिनिमम आपका 16 ईयर होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 700 रुपये और SC ST PWD के लिए 375 रुपये इसमें फीस रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब एग्जाम अगर पैटर्न की हम लोग बात करें तो एग्जाम पैटर्न में अगर हम लोग देखें तो एग्जाम पैटर्न में आप देख रहे हैं इसमें कि 4 सब्जेक्ट में पेपर बनता है। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे देखिएगा आप, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए आप PCM से हैं, कोई बच्चा अगर PCM से है तो वो PCM के 50-50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, मतलब कि 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा। कोई बच्चा अगर PCB से है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो वो इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा। अगर कोई बच्चा PC एग्रीकल्चर से है, अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर से 12th करके आया है तो वो एग्रीकल्चर प्लस आपका जो 2 सब्जेक्ट उसके और होंगे, मतलब कुल मिला के हर सब्जेक्ट के हर ग्रुप के बच्चे को ग्रुप वाइज पेपर होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी, उस पर भी मैं अलग से आपको बता दूंगा, डिफाइन कर दूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो कुल मिला के आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 600 नंबर का टोटल पेपर होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें डिग्री प्रोग्राम की, मतलब जो एग्जाम होता है इसमें कौन सी डिग्री प्रोवाइड करवाता है, इसके एग्जाम को करवाने का पर्पस क्या रहता है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट की मैंने अभी बात करी है पीछे, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, डीम यूनिवर्सिटीज थी और नेशनल आपके इंस्टीट्यूट थे, जो 1 by 1 करके मैंने सारे इंस्टीट्यूट अभी नहीं बताए पर जो फेमस इंस्टीट्यूट है मैंने बता दिए, इसमें आपका पहले नंबर पे जो डिग्री प्रोवाइड करवाता है, मैं UG कोर्स के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने पहले बताया था, इसमें आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है जिसके लिए PCV PCMB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और फिर एग्रीकल्चर अगर आपके पास 12th में है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं ICAR का एग्जाम क्वालिफाई करके। दूसरे नंबर पे आपका BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, PCMB PCV PCM एग्रीकल्चर, इन 4 सब्जेक्ट में कहीं से भी आपने किसी में भी 12th किया है तो आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं ICAR की रैंक से अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो। नेक्स्ट आपका आता है BSc फिशरी साइंस को मत्स्य विज्ञान बोलते हैं, ये आपका PCV PCMB और PCM और एग्रीकल्चर, इन 4 सब्जेक्ट में अगर आपने 12th किया है तो BSc फिशरी साइंस आप ऑप्ट कर सकते हैं ICAR की रैंक से अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो। BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, इसमें भी PCM PCV और PCMB, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपके पास 12th में इन तीनों में से किसी में भी आप 12th पास हैं तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं ICAR की रैंक से। उसके बाद आप बात करते हैं BSc फूड न्यूट्रिशन, इसमें PCB PCM और PCMB BSc, देन उसके बाद ऑनर्स सेरिकल्चर, ही सेरिकल्चर उसको बोलते हैं रेशम का उत्पादन, जो रेशम की खेती होती है उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। PCV PCMB 3 सब्जेक्ट में अगर आपने 12th किया है तो आप BSc सेरिकल्चर ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद देन यहाँ से टेक्नोलॉजी के कोर्स स्टार्ट होते हैं जिसमें पहले नंबर पर आता है BTech एग्रीकल्चर, इसके लिए PCM और PCMB चाहिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले बच्चे अलाउ नहीं है। उसके बाद BTech डेयरी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, PCM PCMB और BTech फूड टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो PCM PCMB, और उसके बाद बात करें हम लोग बायोटेक की BTech की तो यहाँ पे भी PCM PCMB। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका ICAR का छोटा सा एक रिव्यू मैंने बनाया था, आगे मैं ICAR के और भी वीडियो जैसे आपको देता रहूँगा। और एग्रीकल्चर एक ऐसा बहुत बहुत ब्रॉड फील्ड है ये और बहुत ज़्यादा बड़ा फील्ड है, आगे जाके इसमें बहुत सारे रिसर्च के कोर्स रहते हैं, बहुत सारे इसमें जो है बहुत सारे इसमें बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स रहती हैं, PSUs में भी जॉब रहती हैं, मिनरतन में भी जॉब रहती हैं और कई सारे जैसे NABARD जैसे बैंक है उसमें भी जॉब रहती है। और उसके बाद इसी तरह से हम लोग आपको वीडियो 1 by 1 करके सारे कोर्स पे देते रहेंगे। इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।